मैं अभी अपने कुछ दोस्तों के साथ गया कराची में टर्टल बीच। हालांकि मुझे पानी में जाने से मोहब्बत है, मतलब भाई को स्विमिंग भी नेक्स्ट लेवल आती है, लेकिन मैं जब भी कराची में बीच जाने का सोचता हूँ तो सच बताऊँ तो मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाहता यार। क्योंकि मैं जब भी बीच जाने वाला होता हूँ उससे एक रात पहले मुझे मेरे पेरेंट्स बोल देते हैं कि बेटा कुछ भी हो जाए, पानी का कोई गेम नहीं हो रहा, पानी का कोई सीन है ही नहीं। मैं सोचता हूँ कि अगर मैं बीच गया और पानी में नहीं गया तो फिर फ़ायदा क्या बीच जाने का भाई, मतलब क्या कर रहे हो तुम? ये एक छोटा सा बीच जाना एक लॉयल्टी, ट्रस्ट और नफ्स का एक अजीब सा गेम बन जाता है यार। मतलब भाई नहीं जाना, नहीं जाना बीच, नहीं जाना, नहीं जाना। लेकिन खैर फिर भी मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ कराची में टर्टल बीच गया। हाल है ब्रो? चलो इस बार थोड़ा बेहतर सीन ये है कि यार टर्टल बीच है तो शायद कोई टर्टल्स वर्टल्स देखने को मिल जाए, मतलब कुछ अनोखा तो होगा, पानी नहीं तो कुछ तो होगा यार। क्यों टर्टल्स नहीं होंगे? Just call it turtle beach. Are you serious? हाँ टर्टल्स पे होते हैं टर्टल बीच। टर्टल्स होने चाहिए भाई। और दूसरा ये कि हाँ इस बार हट जो है वो सही है, गुड है, हट काफी अच्छा है, मतलब पहले मैं जितने बीच में गया उन सब हट से बेहतर है। मेरा मसले मैं पानी के अंदर ही रहूं, पानी तो नहीं मिल जा रहा। मैं यहाँ पे ऑफिस खोल लूँ और ये मेरी विंडो हो। हाँ, है ना? सोच रहा हूँ दिल चाह रहा है यहाँ पे घर ले लूँ, शिफ्ट लो ना यहाँ पे, क्या कहते हैं शिफ्ट लो। ओह नाइस, बाथरूम भी है। वाओ वाओ फैंसी, आई एम लिविंग हियर। चलो बहुत आला, बहुत आला, वेरी नाइस वेरी नाइस। अब क्या करूँ, अब क्या करूँ? क्रिकेट नहीं खेली बीच पे तो कैसे गुजारा होगा? मतलब क्रिकेट आप बीच के अलावा कहीं और खेल सकते हैं क्या? इम्पॉसिबल है, बीच बंदा आता ही क्रिकेट खेलने के लिए, है ना? Why you look so dead inside? यार सेंचुरी के बाद यही होगा। सेंचुरी के बाद? बड़े लोग बड़ी बातें, रायचंद का नाम सुना? और हाँ बीच तो बंदा असल में गाने सुनने के लिए आता है। गाने सुनो भाई, मजा आएगा, काम पूरा हो जाएगा तुम्हारा, गाने सुनो। Because it's beach bro, मतलब गाने। तो हमने ये कंक्लूजन निकाला कि स्पीकर खराब है। One should move on from music when the speaker is not working. I'll add music here though. Life is good. एक तो मुझे बोर्ड गेम्स खेलने से इतना प्यार है, मैं आई विल नॉट प्ले आफ्टर। यार बोर्ड गेम्स का मेरा सीन नहीं है, मुझे बोर्ड गेम्स खेलना बिल्कुल नहीं लगता है। आप लोग जान लें मेरे बारे में, सीक्वेंस, लूडो, एवरीथिंग आई डोंट लाइक। अच्छा हफ्सा के पास जो कार्ड्स है ना इस वक्त बस ठीक है, वो है एक तो टू है, हफ्सा के पास टू है और एक क्या है हफ्सा दिखा दो, मैं मार दूं तुम्हारा, अनाउंस करना बंद कर दो। टू था और क्या था? क्यों क्यों कैसे? क्यों कैसे खर्च करके इतने पेट्रोल के पैसे, आते इतनी दूर ये चीजें करने जैसे, कहीं और करना ये सब ज्यादा है, यहाँ कोई एक्स्ट्रा फीलिंग आती है, बीच की ट्रिप वर्थ हो जाती है, मुझे बात बहुत खाती है। मेरा बने मुझे चेतावनी दी थी कि पानी में नहीं जाना, ऐसी चेतावनी मिली है कि पानी को देखो बावली ना हो जाना। क्या सिर्फ पानी की आवाज सुनने हैं हम आए, या बस फिर मिट्टी में देखते रहे अपने साए, या बस हम खुश हो जाएं चलो कुछ हो ना हो, पानी है तो अपनी रीच में, बीच में, बीच में। डन। व्हाट इज लाइफ? और हम बहुत जल्दी उठ गए थे।
और ये सिर्फ मेरा हाल नहीं है, देखो जरा इन बेचारों को, बीच पे बैठकर पानी को सिर्फ देख रहे हैं लोग और इसके बारे में कुछ कर भी नहीं पा रहे अपने घर में चिपकाए हुए वादों की वजह से। देखो जरा इन बेचारों को। नहीं भाई नहीं, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। कैसा लगा आपको ये दलीलों वाली हरकत करके? अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत गर्म नहीं है इसे? सैंड इज वेरी वेरी हॉट जस्ट लाइक अस। हाय, दिल चाह रहा है डुबकियां लगाते रहूं इस पानी में, डुबकियां, मतलब क्या फिट सीन है। लेकिन इस पानी का एक एक कतरा उस ट्रस्ट और लॉयल्टी के टेस्ट को जगा रहा है। ओ भाई, गिल्टी फीलिंग, गिल्टी फीलिंग, गिल्टी फीलिंग, बीच से बाहर निकलो, फौरन बाहर निकलो, फुल गिल्टी फीलिंग आ रही है, फुल अजीब दिमाग की टेंशन। चलो भाई वापस चलो, वापस चलो। अबे हवा से पानी उधर जा रहा है। चलो सर आओ, जोर जोर से गाने गाते हैं, बीच में बहुत मजा आएगा, बहुत डीप फीलिंग आएगी, वेरी नाइस, बहुत मजा आएगा। मतलब बीच आता क्यों है इंसान, गाने गाने के लिए तो आता है। गाओ गाओ, बहुत मजा आएगा। यस, बेस्ट टाइम ऑफ माय लाइफ। ओहो क्या गा लगा है, ओहो चल रहा हूँ मैं, ताया दो मुझे। अराउंड 2 बज रहे हैं, नो टर्टल्स येट। कोई सार क्रिकेट राउंड 2, दिस टाइम इंडोर, बिकॉज दिस शुड बी अ चेंज। यार ये बॉल फटी हुई है और इसमें पानी भर रहे हो, मतलब बम आने वाला है, बम। 2 बॉलों में अगर तूने आउट नहीं किया तो मैं खेल नहीं रहा। ये आउट है। वाकई बहुत मुश्किल है, बहुत। चले थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, क्या ख्याल है? दिल तो चाह रहा है इस पानी में फुल आगे जाऊं, फुल आगे, लेकिन चलो बहुत ज्यादा आगे नहीं जाएंगे, बस थोड़ा थोड़ा पानी में ना जाना और फुल पानी में जाने के बीच में खेलते हैं। एक वादे और एक बेताबी के बीच में। The challenge is to not move. बीच में। यार मेरे जेब में ये रह गया तो मैं इसको अपने हाथ में रखना, तो अगर जेब में रहेगा तो गीला हो जाएगा। चलो भाई बाहर निकले हैं पानी से, चलो भाई, चलो भाई, अब वही गंदे ग्लास में चाय, वही पान बीड़ी और फिर वापस जाने का वक्त। लेट अस गो, लेट अस गो। ये लाइटें खुली नहीं है, टॉर्च से क्या ढूंढ रहा है? लेकिन जाने से पहले एक सवाल उठता कि अगर तो तुम्हारे घर वालों ने पूछ लिया कि भाई पानी में गए थे, तो या तो तुम सच बोलोगे कि हाँ मैं पानी में गया था, आई एम वेरी सॉरी मैं पानी में गया था, लेकिन आई एम वेरी सॉरी, या तुम बोलोगे झूठ, और झूठ बोलना नहीं है। तो मैंने काम किया, मैंने इस कॉन्वर्सेशन को अवॉइड किया एट ऑल कॉस्ट्स। मैं घर आया, चुपचाप अपने कमरे में गया, चुपचाप इस वीडियो पे काम शुरू किया, किसी से जिक्र ही नहीं किया कि बीच में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, चुपचाप आराम से अपना काम करता रहा कमरे में, आकर वीडियो का सोचा, वीडियो एडिट की और अब ये वीडियो अपलोड हो रही है। और जब मैंने ये सारा कर लिया तो उसके बाद मुझे ख्याल आया कि वो लोग ये वीडियो तो देखेंगे, पता तो लग जाएगा, इट्स टू लेट टू अपोलोजाइज। एंड ऑन दैट नोट तख लिया।